सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी एक ऐसी समस्या है जिसमें नस दबती आपकी गर्दन में वहां से जब बाहर निकलती है नस हर लेवल से और इसका जो सिम्टम है या जो पेन है आपको महसूस हो सकता है आपके हाथ में या चेस्ट में पर एक बात बहुत ध्यान देने वाली है वो ये कि गर्दन हमारे शरीर का एक बहुत ही नाजुक हिस्सा होता है हमारे ब्रेन से जितनी भी नसें निकलती हैं वो सभी हमारी नेक से होकर जाती हैं चाहे वो मोटर नर्व हो वो सेंसरी नर्व हो सेंसरी नर्व वो होती है जो हमारे ब्रेन तक सेंसेशन पहुँचाती है वो सेंसेशन टच के हो सकते हैं वो टेम्परेचर हो सकता है और हमारी मोटर नर्व होती है जो की हमें एहसास कराती है की आपने मूवमेंट करा फॉर एग्जाम्पल आपको अगर अपनी मुट्ठी को बंद करना है तो ब्रेन से सिग्नल आएगा आपकी मसल तक और आप अपनी मुट्ठी को बंद कर लेंगे ये हुआ मोटर सेंसेशन या मोटर फंक्शन अब अगर हल्की फुल्की नसें दबती हैं तब तो आपको ये पेन केवल महसूस होता है आपके चेस्ट तक आपके हाथों तक पर अगर ये समस्या बढ़ती है तो आगे जाकर ये समस्या आपके पैरों की नसों के साथ भी हो सकती है क्योंकि गर्दन से तो सारी ही नसें जा रही हैं ना तो जब भी समस्या बढ़ती है तो कई पेशेंट्स की ये कंप्लेंट रही है कि सर हमें हमारे सीधे हाथ और सीधे पैर में पेन हो रहा है या वाइस वर्सा भी हो सकता है इसलिए इस समस्या को हल्के में बिल्कुल नहीं लें अगर आपको समस्या हो रही है ऐसी कुछ तो अपने फिजिशियन को डॉक्टर को अवश्य मिलें और इसका हल निकालें इसी के लिए आज का ये वीडियो है जो कि बहुत काम का होने वाला है चूंकि आज आपको हम देने वाले हैं कंप्लीट गाइड सर्वाइकल रेडियोपैथी को लेकर इससे आप अपनी इस समस्या से काफी हद तक निजात पा सकते हैं मगर आज के सेशन को आप और हम साथ में करेंगे जैसे जैसे आपको हम एक्सरसाइज कराएंगे आप वीडियो को पॉज कर करके वैसे वैसे ही एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे साथ के साथ आपको इन एक्सरसाइज का इफेक्ट मालूम पड़े आप सर्वाइकल रेडियो की समस्या को ठीक कर सके आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे अभी कर लेंगे। मैं हूँ आपका हेल्थ दागरा से। तो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज जो होने वाली है वो है नेक का साइडन अगर हमारे समस्या हो रही है सीधे साइड में तो हम नेक को राइट साइड ले गए 45 डिग्रीज पर हाथ को रखा सर के ऊपर और धीमे से नीचे पुश कर जब आप ये मूवमेंट परफॉर्म करेंगे तो हो सकता है आपको यहाँ अपोज़िट साइड में स्ट्रेच आए या नहीं आए अगर नहीं महसूस होता है तो उस केस में आपको करना क्या है आपको ये तो पोजीशन मेंटेन करनी है आज की पर आपका जो अपोजिट हैंड है सपोज़ हमारा लेफ़्ट हैंड है तो इसको पीछे ले जाएंगे पीछे ले जाइए पीठ के और अब स्ट्रेच करिए इससे आपका लेफ़्ट शोल्डर डाउन रहेगा और आप जब ये मूवमेंट परफॉर्म करेंगे तो आपकी ट्रिपीजिया पे प्रॉपर स्ट्रेच महसूस होगा और जब आप ये मूवमेंट कर रहे होंगे तब तो आपको बहुत क्रूड सा पेन फील होगा बट द मोमेंट यू रिलीज इट इस मोमेंट पर आपको एक सेंस ऑफ रिलीफ महसूस होना शुरू होगा कि हाँ कोई मसल में स्ट्रेच आया कोई नर्व हमारी ओपन अप हुई या हमारे जो फैसेट जॉइंट हैं वहाँ पर स्पेस क्रिएट हुआ और हमारी नर्व डिकम्प्रेस हुई अब एक बात और ध्यान देने वाली है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कई बार सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी का जो पेन है वो ऐसा मिमिक करता है कि आपके चेस्ट में पेन हो रहा है या आपको हार्ट की कोई समस्या हो रही है कोई हार्ट ट्रबल हो रहा है इसलिए आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इसे तत्काल में इन्वेस्टिगेट कराएं कि आपको हार्ट का कोई ट्रबल तो नहीं है या फिर सिर्फ रेडिकुलोपैथी है अगर आपको यहाँ तक की जानकारी समझ आई हो तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दें अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ ये होने वाला है एक रोटेशन टिल इसमें करना क्या है आपको आपको एक टावल लेनी है इस टावल रोल को अपने नेक के साइड में लगाना है सपोज हमें लेफ़्ट साइड में इशू हो रहा है तो हम राइट साइड में लगाएंगे इसको आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपोजिट साइड में टावल प्रेस प्लेस करनी है इस प्रकार से सिर को टिल्ट करेंगे बट अभी आपको स्ट्रेच महसूस नहीं होगा पूरा आपको अपने हाथ को प्लेस करना है कान के पास अपोजिट साइड अगेन जो आपका अफेक्टेड साइड का हैंड है उसको पीछे ले जाइए ताकि शोल्डर हमारा ड्रॉप रह सके सही पोजिशन में रह सके अब धीमे से अपने नेक को प्रेस करिए अगेंस्ट द टावल और आप पाएंगे कि आपकी अपोजिट साइड की इस केस में लेफ्ट साइड की जो मसल्स हैं उनमें स्ट्रेच आएगा फैसेट जॉइंट मोबालाइज होगा और आपकी जो डर कंप्रेस हो रही थी वो डिकम्प्रेस होने लगेगी एक सेंस ऑफ रिलीफ आपको उस समय महसूस हो सकता है या नहीं भी हो तो घबराने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि अगर आपकी समस्या ज्यादा बढ़ी हुई है तो उस केस में आपको इमीडिएट इफेक्ट नहीं भी दिख सकता आप फाइव फाइव मूवमेंट्स रोज करेंगे सुबह और शाम में इनिशियल डेज के लिए उसके बाद आपको ये मूवमेंट्स टेन टेन टाइम्स कर देने हैं सुबह और शाम में अब आपको एक बात और ध्यान देनी है आपने देखा होगा कि पिछली दो एक्सरसाइज में हमने अपने नेक को फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करा फ्रंट ऑन तो उसका रीजन यही है की आप अपने नेक को फॉरवर्ड बेंड करना कुछ समय के लिए रोक दें या जब तक आपके फिजियोथेरेपिस्ट आपको रेकमेंड नहीं करते हैं एटलीस्ट तब तक के लिए तो अपनी नेक की फॉर आप छोड़ दीजिए फिलहाल आपको अगर कोई समस्या लग रही है आपकी मसल से संबंधित नर्स से संबंधित तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी समस्या पूछ सकते हैं हम ट्राई करेंगे आपकी समस्या को हल करने के बाद समस्या होती है तो ये पाया गया है कि उनकी जो ट्रेपीजियस मसल है ये वीक हो जाती है इनकी स्ट्रेथनिंग एक्सरसाइज बहुत जरूरी है क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो आपकी नसें हमेशा खिंची खिंची सी बनी रहेंगी आपको हमेशा तनाव रहेगा इसलिए आपको शोल्डर स्ट्रक्स करने हैं सीधे बैठ जाएंगे अब सांस को लेते जाएंगे आप सांस नाक से लेंगे और मुंह से सांस छोड़ सकते हैं आपके लिए ऑप्शनल है बट सांस लीजिएगा नाक से ये ध्यान रखेंगे इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते में आपको एक बात का और ख्याल है कि आपके जो हाथ हैं उन हाथों को अपने थाई पे रख दें जिससे आपका जो एंगल है आपकी आम का वो वर्टिकल बना रहा है

वहा आपको समस्याएं शुरू होंगी आपकी मसल्स पे अनवॉन्टेड लोडिंग होगी आपको पेन कंटिन्यूस बना रह सकता है आपकी नर्व पेन सकती है हाथों में झंझराट आ सकती है कहो ये बढ़ जाए तो आपके पैरों में झंझराहट पहुंच जाए अगर आप अभी भी किसी दुविधा में हैं तो ये एक्सरसाइज पहले परफॉर्म करिएगा उसके बाद आप हमें नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल करके अपनी अपनी दुविधा पूछ सकते हैं नसों मांसपेशियों और हड्डियों से संबंधित आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज ये एक रोटेशन के तौर पर है इसके दो पार्ट हैं दो तरीके होते हैं पहला तरीका है बहुत ही सिंपल है अपने नेक को रोटेट करते हुए आपको राइट साइड देखना है और फिर लेफ्ट साइड लेके जाना है अपने नेक को ध्यान ही रखिएगा कि जितना इजीली आप ये मूवमेंट परफॉर्म कर सकें उतना ही करिएगा कोई स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं कह है हमारा नेक तो कम रोटेट कर रहा है तो जोर लगा के खींच रहे हैं या हाथ से खींच रहे हैं इनिशियली ये नहीं करना है आपको स्टार्टिंग फेज में शुरुआत में उतना ही रोटेट करना है जितना आप आराम से कर सकते हैं और वापस आ जाइए राइट घुमाइए और लेफ्ट घुमाइए थोड़े समय बाद जब आपको लगे अब आप ये मूवमेंट इतना एक पर्टिकुलर रेंज तक तो इजीली कर पा रहे हैं वहां तक करिए उसके बाद में हाथ को हल्का सा पुश देंगे या दूसरे हाथ से एक पुश दे सकते हैं हल्का सा बट वो लाइट पुश रहेगा बहुत तो एक्सेस प्रेशर नहीं लगाना है जो नेक्स्ट तरीका है नेक के रोटेशन को करने का वो है कि आपको अपने हेड को राइट साइड में टिल्ट करना है फिर पीछे से हाफ राउंड घुमाते हुए लेफ्ट साइड लेकर आना है और फिर

ऑपोजिट हैंड को या तो मुठ्ठी बना लें या इस प्रकार से अपनी एल्बो पे प्लेस करिए देखिए ये हमारी एल्बो है ना हम मोड़ के दिखा रहे हैं इससे आपकी पोजीशन ठीक हो जाएगी सीधे बैठिए स्पाइन को अपराइट रखिए और हल्का सा पुश दीजिए ऑपोजिट साइड में इससे आपको जो स्ट्रेच महसूस होगा वो आपके यहाँ इस पूरे एरिया में महसूस होगा ध्यान ही रखेंगे कि जो हाथ का मूवमेंट है वो सीधा रहेगा ना वो नीचे आ सकता है ना वो ऊपर जाना चाहिए आप उसे स्ट्रेट ऐसे मेंटेन करिए और अपोजिट साइड पुश कर दीजिए इस सबके साथ एक बात बहुत जरूरी है आपके लिए ध्यान रखना वो है आपका स्लीपिंग पॉस्टर तो क्योंकि जब आप सोते हैं तो कई बार आप तकिए की जगह अपने हाथ को लगाकर सो जाते हैं सुबह जब उठते हैं तो आपका हाथ झंझना रहा होता है खासकर कई लोगों की तो कम्प्लेट रही है कि सर हमारी जो छोटी उंगली है ये झंझराने लगती है सुबह उठते ही इसका बहुत ख्याल रखिए आपको करना क्या है आपको हाथ को तो बाहर निकाल लेना है और एक पिलो को लगाना है वो पिलो इतना मोटा होना चाहिए कि आपको जो नेक और शोल्डर का जो गैप है ये गैप भर जाए जिससे आपकी स्पाइन स्ट्रेट बनी रहे इसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब चैनल पर हमारे आप जाकर उन्हें भी देखें आशा करते हैं आपको जानकारी आज की समझ आई होगी अच्छी लगी होगी और आपने ये एक्सरसाइजेज साथ में परफॉर्म भी करी होंगी वीडियो को पॉज करते करते अगर आपको ऐसा लगा है कि हाँ ये एक्सरसाइज यूजफुल हैं तो इन एक्सरसाइजेस को हर व्यक्ति तक शेयर अवश्य करिएगा क्योंकि कभी ना कभी अपने जीवन में गर्दन दर्द से वो भी जूझे होंगे उन्हें ये समस्या रही होगी इसलिए उनको ये वीडियो शेयर करेंगे और आने वाले वीडियोस के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे जिससे जब भी हम वो वीडियोस पब्लिश करें तब आपको उनका नोटिफिकेशन मिल जाए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलते ही आपको वो रिंग आ जाए हाँ सरकार नया वीडियो पब्लिश हो चुका है आपकी अगर गर्दन में कोई नस दब रही है तो उसके लिए क्या आप और कर सकते हैं वो जानने के लिए राइट वाले वीडियो को जाकर अभी देख लीजिए और अगर आपके कंधे में दर्द हो रहा है तो क्या प्रिकॉशन क्या चीज आपको करनी है वो जानने के लिए ये लेफ्ट वाले वीडियो को जाकर अभी देख सकते हैं आपको सारी सारी समस्याओं का आपके समाधान प्राप्त हो जाएगा